घर पर रंगोली पाउडर बना करके उसे स्टोर करने की विधि। कोलम या रंगोली बनाना बहुत ही एंशियंट साइंस रहा है भारत का। चावल से रंगोली पाउडर बनाया है मैंने, जिसके लिए एक कप चावल लिया है, उसे धो करके पानी में भिगो करके रखती हूँ कुछ घंटों के लिए। मैंने यहाँ पर रात भर चावल भिगो करके रखा है, आप 2 से 3 घंटों के लिए भी भिगो करके रख सकते हैं। अब चावल भीग चुके हैं अच्छे से और इन्हें मैं मिक्सी में पीस करके रख दूंगी खूब बढ़िया से। तो इसे थोड़े थोड़े पानी के साथ ही मैं पीस करके रख रही हूँ, एक सॉफ्ट और फाइन पेस्ट की कंसिस्टेंसी में खूब अच्छे से इसे पीस लेना है। और अब चावल का आटा एकदम तैयार हो गया है। ये पेस्ट एकदम मुलायम है, चिकना है और फ्लफी हो चुका है पीसने से। अब एक बड़ी सी थाली में इसे मैं सेट करने के लिए रख दूंगी और इसे धूप में छोड़ दूंगी 1 से 2 दिन के लिए सूखने के लिए। अगर आप इसे सुखाना नहीं चाह रहे हैं तो इसी चावल के पेस्ट को आप इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा और पानी डाल करके इसे एक गाढ़ा घोल बना लें और फिर एक किसी पुराने सूती के कपड़े से आप आगे अपने कोलम का डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर धूप बहुत तेज है, इसलिए 1.5 दिन के अंदर ही खूब अच्छे से सूख गया है चावल का पाउडर। इस तरीके से क्रैक्स आ चुके हैं नेचुरली। इसे मैं डब्बे में रख दूंगी, अगली बार जब रंगोली बनानी होगी तो थोड़ा सा पानी इसमें 2 मिनट रख करके एक गाढ़ा घोल बना करके डिजाइन बना लूंगी। कोलम पाउडर की रेसिपी कैसी लगी लिखकर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उत्तमम सत्वम चैनल, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा आगे की नोटिफिकेशंस के लिए।